जन की बात जन के साथ। डीजीएनआ समूह का ये कारवा आज मंडला में है, नर्मदा के पवित्र किनारे पर है और बड़ा प्रसिद्ध स्थल है ये मंडला, जहां लोगों की आस्था का केंद्र भी है। यहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि हमें क्यों चुनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं हमारे डॉक्टर अशोक मक्सकोले जी, वो बताएंगे कि कांग्रेस को क्यों चुनना चाहिए, और उनका पक्ष रखने के बाद जनता की तरफ से सवाल होगा जिसका जवाब देंगे। हमारे साथ सपाक्ष की तरफ से क्या नाम है, आनंद ज्योति जी हैं, ये बताएंगे कि हम सपाक्ष को क्यों चुने। हम सबसे पहले फग्गन सिंह कुलस्ते जी के पास आना चाहते हैं। पाँच साल देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत सारे अच्छे दिन दिखाने के सपने दिखाए थे आप लोगों ने। आपने ये कहा था कि इतने रुपए डीजल है, इतने रुपए पेट्रोल है, महंगाई कम हो जाएगी, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे। वादे होते हैं पूरे करने के लिए, क्या कितने वादे आप पूरे कर पाए, और अगली बार अब फिर आपको चुने जनता क्यों चुने, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे डीएनएन के जनमंच पे। हम सबसे पहले फग्गन सिंह कुलस्ते जी के पास आना चाहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं इस क्षेत्र के, लगातार लंबे समय से 5 बार से सांसद भी हैं। आपका स्वागत है फग्गन सिंह जी, जनता को क्यों चुने? देखिए, मैंने जितने समय से और पिछले 5 साल की आप बात कर रहे हैं, पूरे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मैं पिछले समय भी विकास के नाम पर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज भी मैं विकास के नाम पर जनता के सामने जा रहा हूँ। अगर एक एक योजना कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे तो मैं उसमें भी तैयार हूँ, परंतु कुल मिलाकर के मंडला संसदीय क्षेत्र के बारे में आप देखेंगे तो जिस इतिहास के बारे में, जिस इस मैदान के बारे में आप कहेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर पुराने इतिहास को देखें मंडला के, तो आपको इस जंगल और इस पहाड़ी और इसके अलावा कोई कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं था। आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये बात सही है कि आदिवासी जिला होने के कारण बहुत सारी कमियां हैं, इसको हम स्वीकारते हैं, परंतु ये भी सच है कि इस ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान अगर है तो मैं तो मेरी पार्टी, हमारे नेताओं को भी, चाहे अटल जी की बात कर लें, आज नरेंद्र मोदी की बात कर लें, मैं स्वयं इन दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ में भी मैंने काम किया, सांसद के नाते काम किया, तो ये सारी परिस्थितियाँ आज पूरे मंडला जिले को, सिवनी का कुछ पार्ट आप देखिए जो एक समय हमारा घनसौर हुआ करता था, आज सिवनी जिले के अंदर दोनों हिस्से में आप देखेंगे तो आपको गैप दिखेगा। मैंने इस गैप को भरने का प्रयास किया है, ऐसे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये जो कमी थी उसको मैंने भरा, और धीरे धीरे आज पूरे निर्वाचन क्षेत्र को एक जैसी स्थिति में लाकर के मैंने खड़ा किया है। इस प्रकार की स्थिति आज पूरे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर देखने में मिल रहा है जी। फग्गन सिंह जी, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जिला है, लेकिन क्या आदिवासी के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, ऊपर दिल्ली में बैठे हुए आदिवासी, लेकिन उतना हक उसको नहीं मिल पाता, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या केंद्र में बैठी सरकार जिम्मेदार है या मंत्री जिम्मेदार हैं? एक आदिवासी मंत्री इस महाकौशल क्षेत्र को मिला था और उसके बाद बिना किसी कारण के जनता को ये बहुत दुख था। मैं आपके मंडला क्षेत्र में सभी जगह घूम के आया हूँ, सभी विधानसभा में, जिनका कहना था कि हमारे मंत्री को क्यों हटाया, अगर मोदी जी इसका जवाब दे पाएं, आपने पूछा था क्या मोदी जी से क्यों हटाया? देखिए, ये हमारे नेतृत्व के ऊपर रहता है, वो किसको मंत्री बनाए, किसको रखे, किसको नहीं रखे, ये हमारा उनका विशेषाधिकार रहता है। जहाँ तक जिस समय मुझे काम पे लगाया, मैं ईमानदारी के साथ 1 साल काम किया, और काम करने के बाद आज अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो ये जो आयुष्मान भारत की योजना है, इसका पूरा एक्सरसाइज मैंने किया था। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई ने मुझे स्वयं कहा, और मैं इस मंत्रालय का पहला प्रेजेंटेशन मैंने प्रस्तुत किया था सरकार के सामने, और मैंने उस दिन ही तय किया था कि जिस दिन मैंने ज्वाइन करने के बाद, जो हमारे देश का 60% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का है, उस 60% हिस्से में हमारा स्वास्थ्य का कोई इस प्रकार का कोई गतिविधि नहीं है, 40% जो शहरी और बाकी अर्बन क्षेत्र के अंदर जहाँ काम चलता है, मैंने इस समय ये कोशिश किया, और मैंने कहा मंत्रालय के सारे ऑफिसर, मंत्रालय के हमारे मंत्री, बाकी समय के लेकर के मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि इसको हमको, ये जो दूरी है, इस दूरी को भरना चाहिए,
और इसके कारण आज आप देख पा रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक कम समय में इस प्रकार का एक माहौल हमने बनाने का प्रयास किया। 200 मेडिकल कॉलेज हम आने वाले वर्षों में उसको पूरा करेंगे। हमने इस कॉलेज को एक बार शामिल किया है और मुझे लगता है कि इसको शामिल करने के बाद राज्य सरकार इसका आधा हिस्सा 50% मैचिंग ग्रांट, 50% भारत सरकार का, ये दोनों सरकारों का कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल जी, पंद्रह साल मध्य प्रदेश में सरकार रही और केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, 14 में जो वादे किए थे आपने, उन वादों पे अभी जनता के बीच जनता पूछेगी, आपको जवाब देना है कि वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी अगर आप भोपाल यहाँ से मंडला से जबलपुर जाते हैं तो शायद आपको स्वयं आप प्रयास करते होंगे कि हेलीकॉप्टर से चले जाएं, लेकिन आम जनता कैसे जाए। आम जनता की जो हालत होती है, मैंने कई जगह ये पता किया है, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यहाँ के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और इसके साथ साथ जो आम आदमी के जो हालात हैं बद से बदतर होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? कहीं ना कहीं अपेक्षा वो अपने सांसद से, अपने विधायक से करती है। डॉक्टर अशोक मकसोले जी हैं जिनके पास हम आना चाहते हैं, क्यों चुने? अगर मोदी जी ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है और जनता कहती है कि हम फिर से एक बार फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनेंगे, तो आपके प्रत्याशी में क्या आया, कांग्रेस का क्या ऐसा विजन है जो आपको चुने? अभी कुलस्ते जी से सुना विकास पैदा करने की कहानी, ये कहानियां तो खूब बताएंगे लेकिन ये पैदा कर नहीं पाए। सब यहां से लेके दिल्ली में भी ये विकास 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 की बातें तो किए हैं लेकिन पैदा नहीं कर पाए, बहुत तकलीफ है। अब आपने बहुत अच्छे से पूछा था कि इनको आखिर मंत्री पद से क्यों हटाया। मैं बताऊं आपको कि इनका कोई विजन नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी जरूर उन्होंने किया है लेकिन इस मंडला को कुछ नहीं दिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जिस मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो आ चुका था, आ सकने, इनकी अगर मेहनत होती, केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार थी उसके बाद भी ये लेके नहीं आ पाए और कई सारी कहानियां गढ़ेंगे। दूसरी चीज और ये रोड की भी बात आपने कही है, 4.5 साल में इन्होंने आवाज नहीं उठाई। एक और बात कह दूं मैं, ये मंडला जिला ODF घोषित हो गया है। नहीं, वो सुबह छह बजे जब चलेंगे जी, तो आपको मोदी जी की याद आएगी जी, ODF दिखता है जी, कितना ODF हुआ है जी। सीधे अभी भी इनका जो घोषणा पत्र आया है ये वैसा ही है कि नए पैकेट में पुराना माल ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे कि आपके पुराने वादे आपने किए कहाँ, चाहे अच्छे दिन की बात करो, 2 करोड़ रोजगार की बात करो, काला धन लाने की बात करो, किसानों की आय डबल की बात करो, 1 के बदले 10 शेर, दुश्मन थर थर कांपेगा, ये क्या है? देखिए ये बोलने से नहीं होता है, अब फिर वापस वही सब चीज लाए हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा है। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें इनकी धोती साबित हुई। हम कुलस्ते जी से सीधी बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं कि हमारी मंडला की आवश्यकता के लिए आपने ऐसा एक भी क्या काम किया है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्कूल की व्यवस्था, यहाँ की गरीबी, यहाँ का पलायन, यहाँ की भुखमरी, इसके लिए आपने एक भी बार कोई आवाज उठाया है? बिल्कुल सुना गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विगत समय जब सामाजिक व्यवस्थाओं को अन्य ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या जरूरत थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और दोनों पार्टियों ने मूक दर्शक बन के उस एक्ट का समर्थन किया और उस एक्ट को सामान्य वर्ग में लागू किया, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी चीज, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसके कारण प्रतिभाएं जो है, प्रतिभाशाली कर्मचारी, उनकी प्रतिभाएं खत्म होती हैं और जूनियर जो काम करने की जिसमें क्षमता नहीं है वो आगे बढ़कर उसमें डिप्रेशन पैदा करता है। तीसरी चीज, हम आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं, हम जातिगत आधार पर आरक्षण के सख्त विरोधी हैं, अभी भी मांग रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपने आरक्षण की मांगा था, आपको 10% दे दिया गया, परंतु हम 10% नहीं मांगे थे, सपाक्स पार्टी ने कोई 10% नहीं मांगा, परंतु अगर दिया है 10% तो एक तो मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं किया गया, और लागू नहीं किया गया तो हम जो है आर्थिक आधार पर, जैसा कि कहते हैं, सभी वर्गों में एक सा आरक्षण लागू किया।
हम डॉक्टर मस्कोले से पूछना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य की बात करते हो, डॉक्टर कमी की बात करते हो। फग्गन सिंह कुलस्ते ने डॉक्टर मस्कोले को डॉक्टर बना के लाया था, ये राजनीति में आ गए। 3 महीनों में जितनी मशीनें कुलस्ते जी ने सरकारी अस्पताल में दी थी, 3 महीनों से क्यों बंद पड़ी है? क्या कर रहे हो आप? सरकार आपकी है, आप विधायक हो, क्यों नहीं मशीनें चालू? कुलस्ते जी ने उद्घाटन किया था सोनोग्राफी मशीन का, एक्सरे मशीन का, 3 महीने से क्यों बंद थी? आप मस्कोले डॉक्टरी करने आए थे मल्ला की नेतागिरी करने आए थे? बिल्कुल कुलस्ते जी ने अगर यहाँ अस्पताल में शुरू कोई अव्यवस्था नहीं पहली, जैसा छोड़ के गए हैं वैसे ही चल रही है। इनको अपनी बात दबाने के लिए एक जैसा कि ये हमेशा चिल्ला चोट करते हैं, वो अभी भी वो चिल्ला चोट कर रहे हैं। इनसे पूछिए, आज ये 2 महीने की बात को अपने 15 साल की बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने इनके राज में आज तक कोई प्रश्न पूछा है? कुछ नहीं पूछा है। हम मैं आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आयुष्मान योजना के बारे में बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल मेहनत करके आयुष्मान योजना का ढांचा तैयार किया है। मंडला जिले से 5 व्यक्तियों के नाम बताइए जिनसे आयुष्मान योजना को फायदा हुआ। आयुष्मान योजना आपने लागू करवाई थी, केंद्र में आप मंत्री थे, और बहुत अच्छी योजना है जिसका लाभ मिल सकता है, लेकिन मंडला को नहीं मिल पा रहा। मंडला के लोगों को मिला। अगर पूरे अलग अलग जिला वाइज निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के लोगों को आप देखेंगे तो आपको वास्तव में यकीन होगा केवल मंडला के 1600 लोगों का लाभ हमने दिया है। और 4 साल नहीं, मैं 17 में आया, 1 साल मैंने रहा, 18 के बीच में इस योजना को हमने लॉन्च किया। और मुझे लगता है कि इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जब ने मंडला का ये जो आप कॉलेज आप देख रहे हैं, आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, इस भवन को भी मैंने इसको निर्मित कराया, मैंने भारत सरकार का पैसा दिया और इसके कारण इस भवन का निर्माण हम कर पाए। यहाँ जो भी स्थिति है मैंने पूरी कोशिश किया है। ये बात सही है कि अगर आज से 15 साल पहले पुराना इतिहास 10 साल का आप देखेंगे तो कुछ भी इस मंडला जिले के इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी नहीं था। ये स्थिति अगर पुराने इतिहास को देखेंगे, मेरे आने के बाद मैं तो खुशी से कहता हूँ कि मैंने इस स्टेज में पहुंचाया है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छी योजना है, आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाए तो भारत के गरीब लोगों का बेइंतहा हो जाएगा। देश में क्या है, राहुल गांधी देशद्रोही की धारा हटाना चाहते हैं। कांग्रेस के पास मंडला में प्रत्याशी नहीं, गोंडवाना के प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, युवाओं से बैंड बजवाते हैं, ढोर चरवाते हैं, इनके पास क्या योजना है? देशद्रोही पार्टी है ये, तो मैं कहता हूँ। आज से 15 साल पहले मंडला के बस स्टैंड के पास 1.5 फुट के रोड के गड्ढे थे। कांग्रेस सरकार में ना तो नगर पालिका बनवाने को तैयार थी और ना PWD बनवाने को तैयार थी। रोड को बनवाया किसने? बनवाया माननीय विधायक जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसानों के नाम पे अपनी कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है, PM सम्मान निधि किसानों को मिलनी थी, पूरे देश के किसानों को मिली, मध्य प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं मिली? आम आदमी की अगर आप बात करें, जनमानस की बात करें, तो कौन व्यक्ति व्यक्तिगत किसी कारण से अगर कोई इस प्रकार के किसी रात की श्रेणी में आता है तो उनका विषय, इससे इसका कोई समाज का हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना हमारा कोई विषय है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर करीब 13 करोड़ रुपए अपना मंडला और डिंडोरी में किसानों को माफ किया है। जैसा कि 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का हमारा जो वचन पत्र था, उस वचन पत्र के अनुसार से फर्स्ट स्टेज में निश्चित रूप से ये किया है। और मेरे पास में एक लिस्ट भी है
जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन किसानों का कर्ज माफी का उनको सर्टिफिकेट जो मिला है वो उनके पास में है, उसमें वचन पत्र में हमने 83 जो वचन है उनको निभाए हैं, जबकि जब इन्होंने पूरा का पूरा खजाना खाली छोड़ा था। हाँ, उसके अलावा हमने गरीब बेटी से लेकर बिजली हाफ की बात करके हम अपने वचन पे हम फेंका फेंक नहीं मचा रहे हैं, हम फेंका फेंक नहीं मचा रहे हैं। हमने जो वचन पत्र दिया था उन निश्चित रूप से उन वचन पत्रों का हम निभा रहे हैं। ये बाकी जो है चिल्ला चोट की ये बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम बहुत सजग हैं, हमारी जनता की आवाज। फग्गन सिंह जी, एक ने ये पूछा था कि पिछले 15 सालों की सरकार में बड़ा शर्मसार करने वाला विषय था कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर वन हो गया था, अपराधों में नंबर वन, कुपोषण में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, बहुत सारे मामलों में नंबर वन था। क्या अब व्यवस्था बदली है, सरकार बदली है, कांग्रेस की सरकार आई है, उसमें क्या ये व्यवस्थाएं, चूंकि अभी 100 दिन हुआ है सरकार को, लेकिन क्या ये व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं फग्गन जी? देखिए, मैं सारे यहाँ पर उपस्थित और मध्य प्रदेश के लोगों को भी और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने इतनी पारदर्शी तरीके से अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो वो रजिस्टर हमने किया, अगर नंबर बढ़ा है का मामला है अगर उसमें देखेंगे, चाहे लाइन ऑर्डर का हो चाहे अपराध का हो, कोई भी ऐसा क्रिमिनल केसेस के अंदर आप बताइए, और इसीलिए हमने खुले मन से कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्टर करा सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर अपराध सिद्ध पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो, ये हमने इसको तय किया, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो और चाहे किसी पुरुष का हो। और इसीलिए जो नंबर आप कह रहे हैं, वास्तव में पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े में कह सकता हूं, पर इन नंबरों को आप देखेंगे तो केवल रजिस्टर का है, कितने लोग उसमें दोषी पाए गए ये प्रश्न उठता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश के बारे में उस समय तक की स्थिति में, आज इन अगर 100 दिनों के अंदर आप देखेंगे कितने लोग ऐसे अपराध की श्रेणी में आए, कितने हत्याएं हुई, कितने लोग ऐसे मारे गए, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कितने इस प्रकार के मामले आए। अगर ये 100 दिन का अगर हिसाब देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर पिछले तुलना करेंगे तो मुझे लगता है 100 दिनों में इनकी संख्या बढ़ी है, और खुलेआम इस प्रकार का एक आरोप मैं लगा सकता हूँ। चलिए, कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद लगातार, जैसा फग्गन जी का कहना है, लगातार अपराध बढ़े हैं और उस पर ये सरकार असफल रही है, क्या वजह है कि अपहरण उद्योग हो गया है, बलात्कार होने लगे, हत्या होने लगी, डकैती होने लगी, इसके लिए क्या कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है? देखिए, ये सिर्फ इनके पास में कोई आंकड़े नहीं है, ये सब झूठ की बात कह रहे हैं। आपने ही प्रश्न पूछा है, बलात्कार में नंबर वन, कुपोषण में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, ये आंकड़े हमारे आपके नहीं है, ये स्टडी किए हुए आंकड़े हैं, ये अपनी बातों को ऐसे गोलमोल घुमा रहे हैं, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। दो महीने में जो सुख और शांति से मध्य प्रदेश की जो जनता जी रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और अभी तो हम सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल हम जीतने वाले हैं, है ना, हम यही बात यही संदेश कहने वाले हैं। 2014 में एक बहुत बड़ा नारा चला था चाय वाला पूरे देश में छा गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया, बहुत सारे सपने दिखाए, उसके बाद आज 2018 में 19 के चुनाव में क्या ऐसी वजह हुई कि चाय वाला चौकीदार क्यों बन गया, और स्थानीय मुद्दों को छोड़ के, देश में विकास को मुद्दों को छोड़ के, सांप्रदायिक और राष्ट्रीयता के मुद्दे, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर क्यों जाना पड़ा, क्या मोदी सरकार विकास योजनाओं में पीछे रह गई या विकास बताने के लिए नहीं उनके पास? फग्गन जी, देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के अंदर हमने सुशासन की बात हमने कहा है, इसके बाद हम राष्ट्रीयता की बात हमने किया है, अंत्योदय की हमने बात किया है, ये हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं, और अंत्योदय का मतलब बहुत सारे लोग नहीं सकते। बाला बच्चन जी है, क्या रेत और इस तरीके के अपराधों को रोकने की आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम के इसके विरुद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये 15 साल तक जिन्होंने ये पूरी चोरी की है, चाहे यहाँ से चोरी करें या देश का जो चौकीदार है, जिसने अपना देश का चौकीदार अपने आप को कहने के बाद में भी उन्होंने, चाहे नीरव मोदी, विजय माल्या या मेहुल चौकसी, इन सबको रोक नहीं पाए, ऐसे ही इन्होंने पूरे देश को, पूरे देश की संपत्ति को इन्होंने खोखला कर दिया है। यहाँ की भी आप बात करें, 15 साल इन्होंने सिर्फ विकास तो कुछ नहीं किया है, चाहे रेत की बात कर ले, शराब और इन सबकी बातें कर ले, इन लोगों ने पूरा खोखला ही किया है। हम उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं।
जी जी आ रहा हूँ आपके पास खंडेलवाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे जी जी। मेरा सवाल फग्गन सिंह कुलस्ते जी से है। कुलस्ते जी आप ये बताइए कि पिछले 23 सालों में आपने यहाँ के युवाओं के लिए कौन से रोजगार दिए? कोई देखिए आज अगर पूरे इस जिले के अंदर आप देखेंगे तो रोजगार से इसका आशय आप देखिए। मैंने सबसे पहले आज मनेरी के बारे में उल्लेख करते हैं, मैंने इसको ग्रोथ सेंटर डिक्लेयर कराया। आज जो भी यूनिट वहां आया है, एचपी का आया है, इंडियन ऑयल का आया है, आज मंडला के अंदर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर अप्रूव हुआ है, स्वीकृत हुआ है, तो ये मेरे कार्यकाल में हुआ है। और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट है, इसके कारण हमारे यहाँ जब उद्योग आएंगे तो स्वाभाविक हमारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये हमारी कल्पना है। और इसलिए एक भी अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो कोई प्लांट के बारे में बात करें, जिस समय ये सेंटर खुला था उस समय इसको ग्रोथ सेंटर भी घोषित नहीं किया गया था। ये इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस ने पैदा किया। हम किसी के बारे में आरोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु ये पुराने इतिहास को देखना पड़ेगा। मैं इतने सारे विरोधों के बाद मैंने इस प्रकार के परियोजनाओं को देश के हित में, समाज के हित में, जिले के हित में मैंने लेकर के आया और इसके कारण लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ। मैं कुलस्ते जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने आपकी योग्यता में विश्वास नहीं किया, एक वर्ष में आपको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। इस मंडला जिले की जनता को क्यों करना चाहिए आप पे विश्वास? स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए हम चाहते हैं युवाओं की बातों का जवाब दें। आप बताइए, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि 50 साल में कांग्रेस ने जो टैक्स लगाए हुए थे, 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, 2% एंटी टैक्स लगता था, 5% बेट लगता था, जो बैठता था 19.5%। आज बीजेपी ने 18% टोटली कर दिया, जो भी वापस भी मिलता है, पहले न 12.5% वापस मिलता था, न 2% वापस मिलता था, 5% भी पूरा वापस नहीं मिलता था। मतलब आप मोदी के साथ हैं? हाँ, उनको मंत्रिमंडल से इसलिए निकाला गया था कि इन्होंने वहां पर दिल्ली में और बेटी और दामाद सहित अपनी दुकानदारी चालू कर ली थी। इनकी दुकानदारी को देखते हुए इनको मंत्री पद से निकाला गया था। जी, व्यक्तिगत रूप से आरोप ना लगाएं। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? जो भाई साहब अभी दादाजी बोल रहे थे, वो दादाजी ने सबसे ज्यादा फर्जी बिल लगाए संतोष शुक्ला के पास, एक। हाँ, और दूसरा फग्गन सिंह जी, कुलस्ते जी हमारे, उनके खासम खास हैं, जो 14 साल में बड़े आदमी 3 मंजिल बिल्डिंग बना लिए, टपरिया में रहते थे, पैसा कहाँ से आया पूछिए उनसे। भैया मेरा एक प्रश्न है, केंद्र राहुल गांधी से प्रश्न है कि यदि वो बायकॉट में जाके, बायकॉट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जाके वो एक बार भारत माता की जय बोल दे, मैं युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष हूँ, वोट दे दूंगा कि भारत माता की जय बोल देंगे तो वो। और इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके तरफ से जिसको कांग्रेस का नेता बनाया गया सांसद, वो एक बार सरेआम जय श्री राम बोल दे तो वोट दे दूंगा मैं उसको। एक सवाल आया था महिला सम्मान को लेकर, इनने पूछा था महिला सम्मान। भाजपा सरकार वो है, आज भाजपा की रक्षा मंत्री एक महिला है, विदेश मंत्री महिला है, अब आप क्या बोलते हैं, क्या सम्मान दिया महिला को? और मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी से, कि ये न्याय योजना की बात करते हैं, न्याय योजना तब बनेगी, तब डिलीवर होगी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी, जब 273 सीट आएंगी, जब वो 273 पे लड़ ही नहीं रहे हैं तो 273 कैसे आएंगी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं। राहुल गांधी के कसौटी पर क्या उनका प्रत्याशी यहां से बाजी मार पाएगा, या अमित शाह और मोदी ने जिस पर भरोसा किया है, क्या वो एक बार फिर सदन में पहुंच पाएंगे? स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जरूरत है ऐसे मुद्दों की जो जनता के भला कर सके। बहुत सारी समस्याएं हैं। BNN पर जनमंच के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार।